गत दिनों से हुई भारी बारिश से जहां प्रदेश में तबाही का तांडव मचाया और लोगों के घर गाड़ियां बह गई और करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान प्रदेश में हुआ। अगर नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माकड़ी के भवन के साथ पहाड़ी खिसकने से सारा मलबा विद्यालय के भवन के कमरों के साथ पहुंच गया, जिससे विद्यालय के भवन को खतरा पैदा हो गया है और अब कुछ दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एसएमसी के प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि पहाड़ी की सारी मिट्टी के लहासे कमरों की खिड़कियों तक पहुंच गई है, जिससे विद्यालय के भवन को भी खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा विद्यालय के भवन के नजदीक सफेदे के बड़े बड़े पेड़ किसी अनहोनी को न्यूता देते हुए नजर आ रहे हैं। एसएमसी के प्रधान राकेश कुमार ने कहा कि इन पेड़ों के बारे में वन विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करवा दिया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अभिभावकों ने सरकार से इन पेड़ों को हटाने की भी मांग की है। एसएमसी के सदस्यों और अभिभावकों ने सरकार और विभाग से आग्रह किया है कि विद्यालयों के कमरे के पीछे पक्के डंके लगाए जाएं ताकि स्कूल खुलने पर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई किसी बिना भय के कर सकें। बिलासपुर से संवाददाता सुभाष चंदेल की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज हिमाचल। मैं माकड़ी स्कूल से एमएसबी प्रधान कमेटी से बोल रहा हूँ। सर, हमारी सरकार से निवेदन है ताकि ये जितने भी लाए हमारी बिल्डिंग के ऊपर पड़ गया, ऊपर से आकर नीचे, और हमारी बिल्डिंग जो है दलदल में आ चुकी है अभी। ताकि हमारे सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक डंगा लगना चाहिए ताकि हमारी बिल्डिंग सेफ रह चुके। और सरकार से हमारी एक निवेदन हो रहा है क्योंकि ये तीन पेड़ है यहाँ पर, और तीनों पेड़ दोनों बिल्डिंग के बीच में है, जो कि हर टाइम इनका खतरा है दोनों बिल्डिंगों को। ताकि हमारी फॉरेस्ट महकमे से भी अर्ज है क्योंकि ये जल्द से जल्द चुको जरूर। मैंने इसकी जांच पहले भी आरओ साहब को दे चुकी है और एप्लीकेशन लिखकर तीन चार पर हमने आरओ साहब को भेज दी है ताकि अभी तक इनका कोई रिजल्ट नहीं आया है।